जब भी कोई एफआईआर रिगार्डिंग या फिर कंप्लेन केस बनता है तो पुलिस का उस सिनारियो में, कोर्ट का उस सिनारियो में क्या रोल होता है, कौन से स्टेप्स वो लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई भी लेमैन, कॉमन मैन किसी केस में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी अवेयरनेस के लिए गाइस आज हम सीखेंगे एफआईआर से लेके चार्जशीट तक एंड चार्जशीट से लेके कोर्ट की जजमेंट तक, अपील तक क्या सिनारियो चलता है, कोर्ट कौन से स्टेप्स को फॉलो करती है। हेलो गाइस, दिस इज एनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, सो दैट आपकी क्वेरीज रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मैं डालती हूं आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। लॉ में इलीगल कोई भी एक्ट या ओमिशन करने के लिए मना किया गया है, बट अगर हम लोग वही करते हैं, कोई पर्सन वही एक्ट करता है जो कि मना है, इलीगल है, तो वो एक तरह का क्राइम बन जाता है। बट उस क्राइम को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके ऊपर कैसे एविडेंसेस कलेक्टेड किए जाते हैं, या फिर कैसे उसका प्रोसीजर चलता है किसी भी सिनारियो में केस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए लॉ में हमें इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट दिए गए हैं, जो कि ये तीनों ही पैरेलल चलते हैं किसी भी केस के सिनारियो में। वैसे तो कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी जो है वो ट्विन सिस्टर्स हैं, बिकॉज इन दोनों को फॉलो किए बिना कोई भी केस जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीआरपीसी है वो एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है एंड इंडियन पीनल कोड जो है वो सब्सटैंशियल लॉ है। इन शॉर्ट, सीआरपीसी मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो प्रोसीजरल लॉ, मतलब कि केस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कैसे वो आगे आगे प्रोसीड करता है, किस सिनारियो में एविडेंस लिए जाते हैं, कैसे एविडेंस लिए जाते हैं, पुलिस के बाद केस जो है वो कोर्ट में कैसे चलता है, कोर्ट जो है कैसे प्रोसीजर को फॉलो कर जस्टिस देती है। और जो इंडियन पिनल कोड है मीन्स कि अगर कोई ऑफेंस एप्लीकेबल हो रहा है, अगर कोई ऑफेंस बन रहा है तो उसके ऊपर किस तरह की पनिशमेंट, किस तरह की पेनल्टी अक्यूज्ड पे ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब हम गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के केसेस होते हैं। कंप्लेंट केस एंड एफआईआर रिलेटेड। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी में साफ साफ सेक्शन 154 में बताया गया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अग्रीव्ड पर्सन या उसके कोई भी रिलेटेड में किसी, कोई फ्रेंड या कोई भी ऐसा अननोन पर्सन पुलिस को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उसके ऊपर एफआईआर फाइल होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो गाइस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जिनके ऊपर क्विक एक्शन लेने की जरूरत होती है। अगर हम बात करें कंप्लेंट केस की, तो सीआरपीसी में सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में कंप्लेंट को, कंप्लेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिगेशन, चाहे कोई भी पर्सन ओरल में दे रहा है या फिर राइटिंग में, मैजिस्ट्रेट को इस होप के साथ कि मैजिस्ट्रेट जो है, कोर्ट जो है, उसके ऊपर एक्शन लेगी, चाहे आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस के अगेंस्ट कोई भी मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देते हो कोई एलिगेशन रिगार्डिंग, तो वो कंप्लेंट बन जाती है बट वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। इन दोनों सिनारियो में, दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट ये स्टार्टिंग में दोनों का प्रोसीजर अलग अलग चलता है, बिकॉज कंप्लेंट जो होती है वो मैजिस्ट्रेट को की जाती है कोर्ट में जाकर, और एफआईआर जो होती है वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को जाकर। अगर हम बात करें कंप्लेंट केस की एफआईआर केस से पहले, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि कोर्ट मैजिस्ट्रेट फॉलो करती हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में ये आता है, अगर कोई भी पर्सन डायरेक्ट कोर्ट में जाकर, मैजिस्ट्रेट को जाकर अपनी कोई कंप्लेंट फाइल करवाता है किसी चीज के रिगार्डिंग, कोई एलिगेशन रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, अपने साथ कोई विटनेसेस भी लेके जाता है, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसको उसी दिन या फिर उसके लिए कोई हियरिंग डिसाइड कर नेक्स्ट डे की उसको एग्जामिन कर सकती है, उसको एग्जामिन करती है, ये देखने के लिए जो ऑफेंस है वो एक्चुअल में अक्यूज्ड के अगेंस्ट बनता है या नहीं बनता। उसको एग्जामिन करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस बन रहा है तो इंक्वायरी का ऑर्डर दे देती है और रिपोर्ट को सबमिट कर देती है। रिपोर्ट मीन्स वो एलिगेशन जो कि वो कंप्लेनेंट ने रिटर्न या ओरल दिए होते हैं। अगर ओरल देते हैं तो रिटर्न में मैजिस्ट्रेट लिखवाता है, और अगर रिटर्न देते हैं तो उसको ही सबमिट किया जाता है। फिर उसके बाद कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट होती है, उसको एग्जामिन करने के बाद
मजिस्ट्रेट को अगर लगता है इस कंक्लूजन में आता है कि जो केस है कंप्लेंट है वो तो जेन्युइन है बट प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे एविडेंस नहीं है जो कि अक्यूज्ड को पनिश कर सके या फिर कोई ऐसे सीरियस नेचर का केस बनता ही नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है और वो रिकॉर्ड फाइनल हो जाता है। बट अगर कंप्लेंट को और जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि केस भी सफिशिएंट है और जो उसके पास प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस है वो भी सफिशिएंट है तो अक्यूज्ड के रिगार्डिंग वो चार्ज फाइल करता है चार्ज लगाता है और मैजिस्ट्रेट उसके बाद उसको वारंट या समन केस जैसे भी केस बनता है वारंट केस बनता है या फिर समन केस बनता है उसके रिगार्डिंग वो केस को वैसे ही प्रोसीड करेगा जैसे कि एफआईआर केस में प्रोसीडिंग चलती है। अगर हम बात करें क्रिमिनल ट्रायल्स के बारे में तो इसके भी कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो कि पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे वारंट समन एंड समरी ट्रायल की। ये ऐसे तीन स्टेजेस हैं जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चल सकता है। जैसे कि वारंट ट्रायल जिनकी पनिशमेंट कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 7 साल या फिर उससे ज्यादा होती है। समन ट्रायल मतलब जिनकी पनिशमेंट 2 साल या फिर उससे ज्यादा होती है एंड समरी ट्रायल मतलब जिनकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की मतलब कि 6 महीनों की होती है। गाइस आज हम बात करेंगे वारंट ट्रायल के बारे में। गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वारंट ट्रायल से पहले वारंट केसेस कौन से होते हैं बिकॉज वारंट केस बनेगा तभी वारंट ट्रायल चलेगा। वारंट केस के रिगार्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स सीआरपीसी में साफ साफ बताया गया है कोई भी ऐसी ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर ऐसी सजा जो कि 2 साल से ज्यादा की सजा होती है वो सारे वारंट केसेस के कैटेगरी में आते हैं। वारंट केसेस जो होते हैं वो एफआईआर से भी स्टार्ट हो जाते हैं या फिर मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट करने से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है केस की कितनी कौन सी कैटेगरी है केस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वारंट केसेस में आ रहा है या फिर समन केसेस में आता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको सेशन कोर्ट में भी सबमिट करवा सकता है मतलब कि सेशन कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर सकता है जिसको कि कमिटिंग टू सेशन कोर्ट्स भी कहा जाता है। वारंट केसेस में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जरूरी हैं फॉलो करने। जैसे कि वारंट केसेस में चार्जेस जो होते हैं वो जरूर मेंशन किए जाते हैं। पार्टीज का अपीयरेंस जो होती है उनकी पर्सनल अक्यूज्ड की वो जरूरी होती है। वारंट केस जो होता है वो समन केस में नहीं चेंज किया जाता उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अक्यूज्ड को एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन करना 1 से ज्यादा टाइम हो सकता है उसका और मैजिस्ट्रेट जो होता है सेक्शन 207 सीआरपीसी का उसको फॉलो करना उसको जरूरी होता है। जैसे कि अक्यूज्ड को कोई भी पुलिस रिपोर्ट्स की कुछ भी कॉपीज देना एफआईआर रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट विटनेसेस की ली है मतलब कि हर एक चीज की कॉपी जो होती है अक्यूज्ड को दी जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि वारंट केसेस जो होते हैं वो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 238 से लेके 250 तक उनका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन करना जो कि पुलिस के लिए जरूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करना किसी भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग कोई भी पर्सन कोई भी विटनेस उनकी स्टेटमेंट राइटिंग में लेना। कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जहां पे भी डाउट लगता है पुलिस कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन की जब भी जो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट को सेंड कर देती है। पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो जब कोर्ट में सबमिट करती है उसको कहा जाता है चलान या फिर चार्जशीट जो कि सेक्शन 173 सीआरपीसी में साफ साफ मेंशन है। उसके रिगार्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन उसका मतलब ये होता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें कलेक्ट करी चाहे वो कोई एविडेंस है या फिर किसी विटनेस का स्टेटमेंट है या फिर पुलिस ने खुद जाकर किसी की कोई रिपोर्ट कलेक्ट करी या फिर किसी सीन में जाकर किसी सिनारियो में जाकर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है वो हर एक चीज पुलिस के चलान में होती है। इसके बाद कोर्ट क्या करती है पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर कर हर एक डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो भी अक्यूज के रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट होते हैं उनको कंसीडर कर अगर कोर्ट को लगता है कि यस अक्यूज जो है उसके अगेंस्ट केस बनता है तो कोर्ट क्या करती है उसके अगेंस्ट चार्जेस जो होते हैं वो फाइल कर देती है। वारंट केस में ये जरूरी होता है कि जो भी चार्जेस है वो इन राइटिंग हो। चार्जेस फ्रेम होने के बाद कोर्ट हर एक पर्सन को मौका देती है उससे पूछती है कि उसके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगा है क्या वो इसको मानता है या मानती है। वैसे तो बहुत ही कम है
कि कोई पर्सन ये माने कि हाँ मैंने ये क्राइम किया, जो एलिगेशन है वो सही है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा मानता है, उसी टाइम उसको वर्डिक्ट सुनाकर उसको सेंटेंस, उसको पनिशमेंट कर दिया जाता है। बट ज्यादातर क्या होता है, लोग इसको नहीं मानते, तो उनके अगेंस्ट वैसे ही ट्रायल चलते हैं जैसे कि वारंट केस में ट्रायल चलता है। ऑफ गिल्ट के बाद सबसे पहले प्रोसिक्यूशन साइड से एविडेंस लिए जाते हैं, जो भी चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद प्ली ऑफ गिल्ट जो आता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन साइड से जो भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट होते हैं वो एविडेंस लिए जाते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी विटनेस अगर आता है, उसको पहले चीफ किया जाता है, मतलब उसकी स्टेटमेंट पहले ली जाती है, फिर उसको एग्जामिनेशन इन चीफ, जो कि ऑपोजिट पार्टी, अक्यूज वाली पार्टी के जो एडवोकेट्स होते हैं वो लोग करते हैं। मैजिस्ट्रेट जो होता है, कई बार किसी भी पर्सन को, किसी विटनेस को दोबारा उसका क्रॉस एग्जामिन के लिए उसको समन इश्यू कर सकता है। जो भी एविडेंस होते हैं वो डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट मतलब जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर ओरिजिनल कोई भी ऐसी कॉपी। इनडायरेक्ट मतलब कोई भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उस सिनारियो में। आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस डिफेंस पार्टी को, मतलब कि अक्यूज पार्टी को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रखे, अपनी एविडेंसेस को, अपने अगेंस्ट जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, जो भी चार्ज लगा है, उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसको भी मौका दिया जाता है कि वो कह सकता है। उसके जो एविडेंसेस होते हैं उनको भी सुना जा सकता है, चाहे वो ओरल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, हर एक चीज को सुना जा सकता है। बट वैसे बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन मीन्स कंप्लेनेंट, मीन्स जिसने केस फाइल किया, जो कि विक्टिम है केस का। डिफेंस के रिगार्डिंग अक्यूज को जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसको भी सुना जाए, किसी भी फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस के रिलेटेड वो भी अपनी बात रख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है सीआरपीसी सेक्शन 313 में साफ साफ दी गई है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंसेस को देखने के बाद, विटनेसेस को एग्जामिन इन चीफ करने के बाद, दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, अपनी अपना आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अब बात आती है दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स की दलीलें, उनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट के फैसले की, जिसमें कोर्ट ने, अगर तो कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड जो पर्सन है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन साबित नहीं हुए, उसको बरी होना है, तो कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला सुना देती है। बट उसके साथ ही प्रोसिक्यूशन साइड के पास ये राइट होता है उस पर्सन के अगेंस्ट अपील करने का, जो कि हायर कोर्ट में जाकर अपील होती है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन को बरी नहीं करना, उसको सजा देनी है, तो कोर्ट पहले तो अपना फैसला सुरक्षित रखती है, फिर जजमेंट डे के लिए, मतलब कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट को फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन जो होता है उसकी कन्विक्शन को सुनाती है। बट अगर कोर्ट ने, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोर्ट ने उस पर्सन को उम्र कैद की सजा देनी है, तो कोर्ट को किसी से भी कोई भी परमिशन, कोई भी कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती। बट अगर उस अक्यूज को कोर्ट ने किसी तरह की फांसी की सजा देनी है, तो कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कोर्ट उसको, वो रेफर करती है हाई कोर्ट को, अपनी रिपोर्ट, अपना डिसीजन हाई कोर्ट से जो भी मैटर होता है वो डिस्कस होने के बाद जब कोर्ट के पास आता है वापस, तो कोर्ट उसको अपनी जो सेंटेंस होता है उस पर्सन के अगेंस्ट वो उसको सुना देती है। तो गाइस, आज हमने सीखा एफआईआर से लेके चार्जशीट तक, एंड चार्जशीट से लेके कोर्ट की जजमेंट तक, केस कब शुरू होता है, उसके बीच कौन कौन से ऐसे जगह, ऐसे पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आते हैं जो पुलिस या कोर्ट फॉलो करती है, एफआईआर केस कैसे चलता है, एंड कंप्लेंट केस कैसे चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।